देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश भर में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में लगातार बिहार पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर बिहार के बगल के राज्यों की बात करें तो असम भी पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है और अब ताजा तस्वीरें हम आपको सीधे जम्मू एंड कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से अहले सुबह 150 फीट की सड़क तवी नदी में बह गई। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से सड़क अचानक से बह गई वो बिल्कुल भी भयावह है। तस्वीरों के माध्यम से पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ, स्थिति कैसी है और वहां पर क्या कुछ चल रहा है। दरअसल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 150 फीट की सड़क सुबह उधमपुर से 16 किलोमीटर दूर तोलदी नाला के पास बह गई। सड़क निर्माण में लगी कई मशीनें भी तवी नदी में बह गई। आज सड़क खुलने की संभावना कम है, लेकिन किसी के जान माल को नुकसान नहीं हुआ है, इसके रिपोर्ट सामने आई है। आपको बताएं कि सड़क निर्माण का कार्य वहां पर चल रहा था और जितनी भी मशीनें सड़क निर्माण को लेकर वहां पर लगाई गई थी वो भी तवी नदी में बह गई। अचानक से ये सड़क ढह गई। हालांकि जो भी वहां पर मजदूर तैनात थे, जो भी अधिकारी तैनात थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, किसी के नुकसान होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से तैनात है, आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। संभावना कम जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे तक ये सड़क मार्ग खुल सकेगा। हालांकि सड़क मार्ग को ठीक करने का काम जारी, प्रशासन लगातार वहां पर मलबे को हटाने की तैयारी कर रही है। तस्वीरें जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भयावह है, ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ से सड़क कटकर तवी नदी में बह गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की तस्वीरें है ये, जहां पर 150 फीट की सड़क अचानक से बह गई। प्रशासन की तैनाती वहां पर हो चुकी है, वहां से स्थानीय लोगों को हटाया जा चुका है, किसी भी गाड़ी को वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। हालांकि सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जब तक इसे वापस से दुरुस्त नहीं कर लिया जाता सड़क मार्ग खोला नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है, न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।